साइन 3x अपॉन 3 पावर x माइनस 1 लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। जल्दी जल्दी कर दो, इतनी देर क्यों लगी इसको करने में। साइन 3x अपॉन 3 पावर x माइनस 1 हाँ जी, क्या करना पड़ेगा मुझे यहां पर। लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, दिस विल बी 1 एंड व्हाट दिस विल बी 3 अपॉन लॉग 3। इसको लिख सकते हो 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x, a पावर x माइनस 1 बाय x इज लॉग a, सो लॉग 3, सो आंसर इज 3 अपॉन लॉग 3। नेक्स्ट लिखो, e पावर x प्लस e पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0। क्या आंसर है? 1। क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन, हमने ए पावर में भी किया था शायद से, वहां 3 पावर माइनस एक्स कुछ था, तो क्या किया फर्स्ट स्टेप, किया एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर 2x माइनस 2 ई पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई पावर x लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। ये न्यूमरेटर क्या बन गया अब, e पावर x माइनस 1 का स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर, सो अपॉन x इंटू x स्क्वायर 1 अपॉन e पावर x, दोनों में लिमिट ले लेते हैं, x अप्रोचिंग 0, x अप्रोचिंग 0। व्हाट इज दिस e पावर x माइनस 1 बाय x लिमिट x अप्रोचिंग 0, 1, और यहां पर अगर x को 0 डाल दूं तो एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1, सो आंसर बिकम्स 1। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0। आप लोगों के स्कूल कब से खुल रहे हैं? मंडे से।
फॉर्मूला क्या था लॉग वाली लिमिट के लिए मेरे पास? लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, क्या था ये? वन। तो अगर मुझे ये फॉर्मूले को यूज करना है तो मेरे पास कंडीशन क्या है? आई शुड हैव वन प्लस समथिंग, हियर आई हैव फाइव प्लस। तो सबसे पहले मुझे इस फाइव की कन्वर्जन करनी पड़ेगी, आई हैव टू मेक इट वन। सो व्हाट कैन आई डू? दोबारा बोलो, लॉग फोर इंटू वन प्लस एक्स, इज इट सेम एज फाइव प्लस एक्स? लॉग फोर इंटू लॉग वन प्लस एक्स। बेटा रूल क्या होता है लॉग का? लॉग रूल इज लॉग एम इंटू एन इज लॉग एम प्लस लॉग एन। सो हाउ कैन यू राइट प्लस फाइव प्लस एक्स? मेरे पास log of m plus n की कोई कन्वर्जन नहीं है, आई डोंट हैव एनी रूल फॉर दिस। ओके, द रूल इज log of m into n कैन बी रिटन एज log m plus log n। ये log के तीन रूल सबसे ज्यादा हमारे पास यूज होते हैं, अगर नहीं मालूम है तो इनको नोट कर लो। log of m into n is log m plus log n, log m by n is log m minus log n, and third is log m power n is n log m. These are three basic rules which are used and we may have to use it at number of places. So ye hum nahi kar sakte, we can't write 5 plus x as 4 into 1 plus x. देखो क्या करो, इसमें से 5 कॉमन निकाल दो। आई हैव 1 प्लस एक्स बाय 5 माइनस लॉग, इफ आई टेक आउट 5, 1 माइनस एक्स बाय 5 होल अपॉन एक्स। अब यहां पर मैं रूल लगा सकती हूं एम इन टू एन, आई हैव नाउ दिस रूल लॉग एम इन टू एन इज लॉग एम प्लस लॉग एन, सो आई कैन राइट दिस एज लॉग 5 प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाय फाइव माइनस लॉग फाइव माइनस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स बाय फाइव। ये बात समझ में आई? ये मल्टीप्लीकेशन में था, एडिशन में कन्वर्ट हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन में था, एडिशन में कन्वर्ट हो गया, इन बिटवीन नेगेटिव साइन है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, होल अपॉन एक्स लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो। सो ये तीन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग के बहुत जगह यूज करने पड़ेंगे, तो इनको लिख लो और याद भी रखना है हमें। अब ये लॉग फाइव और माइनस लॉग फाइव कैंसिल हो गया, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाय फाइव अपॉन एक्स माइनस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स बाय फाइव अपॉन एक्स, दोनों में है लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो। अब क्या करूं? डिवाइड बाय फाइव हियर इंटू फाइव, यहां पे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला है वन प्लस एक्स, बिल्कुल ठीक है, इसको मैं लिख देती हूं प्लस माइनस एंड माइनस फाइव से डिवाइड और माइनस फाइव से मल्टीप्लाई। अब ये बन गया आपके पास वन, सो बचा क्या मेरे पास? वन बाय फाइव, और यहां से ये माइनस और ये माइनस एड होकर के प्लस, सो आंसर विल बी टू बाय फाइव। ठीक है जी, सो जब भी आपको लॉग लगाना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मूला इज लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो वन, सो यू हैव टू मेक द फर्स्ट नंबर एज वन। उसके लिए कॉमन लोगे, कॉमन लेकर के रूल लॉग एम इन टू एन एज लॉग एम प्लस लॉग एन, यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट लिखो जी, log of x minus log 5 upon x minus 5 limit x is approaching 5, log x minus log 5 upon x minus 5 x is approaching 5,
अब यहाँ पर लिमिट 5 को अप्रोच कर रही है, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला क्या है, जब लिमिट 0 को अप्रोच करे, सो व्हाट शुड आई डू, 5 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, हमें पता है लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो वी जस्ट इवैल्यूएट द राइट हैंड लिमिट एंड व्हाटएवर इज द वैल्यू दैट विल बी माय आंसर, सो x को डाल देते हैं 5 प्लस एच माइनस लॉग 5 अपॉन 5 प्लस एच माइनस 5, लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0, लॉग ऑफ 5 प्लस एच 1/5, करेक्ट आंसर इज 1/5. यहां पर अब log m माइनस log n हो गया, log m माइनस log n, आई कैन राइट द न्यूमरेटर एज log 5 प्लस h बाय 5 एंड होल बाय h, लिमिट h इज अप्रोचिंग 0, हमने अभी अभी पढ़ा था log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n, सो log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log ऑफ m बाय n, सो न्यूमरेटर बन जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस h बाय 5 होल अपॉन h, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, सो आंसर विल बी 1/5. हाँ जी कोई डाउट है, चलिए जी नेक्स्ट जो हमें करना है दैट इज लॉपिटल रूल. एच साइलेंट इसमें लॉपिटल रूल. लॉपिटल रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आर कंसर्न्ड. एच साइलेंट रहता है इसमें, हॉस्पिटल नहीं बोलते, लॉपिटल रूल बोलते हैं इसको, ठीक है. इसको अप्लाई करने के लिए पहले कुछ प्री कंडीशंस हैं जो जस्टिफाई होनी चाहिए, तब हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं. वो कंडीशंस पहले देख लेते हैं. और एक चीज और, ये सीबीएसई में अप्लाई मत करके आना, मतलब अपने स्कूल के एग्जाम में इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते आप. दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर सीबीएसई सिलेबस, और अगर आप करके आएंगे तो आपके टीचर उस पर क्रॉस मार्क कर देंगे, इसीलिए नहीं कर सकते. दो मिनट में, अभी शायद 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करेंगे, तुम तो वैसे ही खुश हो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, तो हो सकता है 2-4 मिनट लग जाएं. तो लॉपिटल रूल हम कर रहे थे.
हाँ जी, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल कहाँ पर अप्लाई करना है पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले चीज, लॉपिटल रूल को अप्लाई करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म लिमिट से एक्स इज अप्रोचिंग ए। लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म, एक चीज। दूसरा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज ए इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेज ए, बोथ आर जीरो। नहीं सर, टाइम लगेगा अभी मुझे समझ। अच्छा, फिर मैं इसको कर ही देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, कनेक्टिविटी ठीक है। वीडियो ब्लर हो गई है, साउंड भी क्लियर नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए। वैसे ही है। हाँ जब ठीक है, चलिए जी, तो वापस आ जाते हैं लॉपिटल रूल पर। सबसे पहली कंडीशन, जिस चीज की लिमिट आपको निकालनी है, दैट शुड बी ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। सेकंड कंडीशन, अगर मैं इंडिविजुअली एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को देखूं, इंडिविजुअली लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एंड एक्स अप्रोचिंग ए बोथ शुड बी जीरो, मींस ये क्या जीरो बाय जीरो फॉर्म हो जाए, या फिर लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेज ए इज इक्वल टू लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेज ए एंड बोथ आर इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब या तो जीरो बाय जीरो फॉर्म हो या तो फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो। तो पहली कंडीशन हो गई कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म होनी चाहिए। दूसरा, इंडिविजुअली लिमिट पुट कर दूं, दोनों या तो जीरो हो या तो फिर इन्फिनिटी हो, अनडिफाइंड फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म होनी चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन है हमारे पास, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स क्या होते हैं भला पता है? वॉट इज एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स? डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड जी डैश एक्स इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो एफ डैश एक्स है, जी डैश एक्स है, ये एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होने चाहिए और डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अब इस तरफ कंडीशन समझ लो, कंटिन्यूटी का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूं। कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन? जब उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो, और जो लिमिट है फंक्शन की, से आई से लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। आर यू गेटिंग इट? लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचिंग ए मतलब एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट बोथ आर सेम, देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिटेल में प्लस टू में करेंगे। अभी सिर्फ मतलब समझ लो इस बात का, सिर्फ कंडीशन समझ लो। कंटिन्यूअस मींस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दे बोथ मस्ट बी सेम, देन वी से द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो क्या क्या कंडीशन है? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म होनी चाहिए, इंडिविजुअली दोनों में लिमिट डालो तो या तो दोनों जीरो बने या तो फिर इन्फिनिटी बने। वहां पर हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। करना क्या होता है लॉपिटल रूल लगाते हुए? हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को इंडिविजुअली एक फंक्शन मान करके उसका डेरिवेटिव, जी ऑफ एक्स को इंडिविजुअली फंक्शन मान करके उसका डेरिवेटिव, एंड पुट एक्स अप्रोचेज ए इनटू इट। So my final answer will be f dash a upon g dash a, provided
फिर से ये जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ना बने। अगर ये फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है तो फिर से अब इस पर या मैं कहूं इस पर लॉपिटल रूल की कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। सो आई कैन अप्लाई इट वंस अगेन। व्हाट कैन आई डू? आई कैन डिफरेंशिएट इट वंस अगेन। That will be second derivative f double dash x upon g double dash x. अब इसमें वैल्यू डाल दो। जब तक जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती रहेगी हम इस चीज को कंटिन्यू करते रह सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल दैट देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्या था भला? लॉग ऑफ 5 प्लस एक्स क्या था? माइनस लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो। एक तो तरीका कि हमने पूरा फॉर्मूले और सब कुछ अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं अगर मैं x को जीरो डाल दूं तो क्या होगा? इफ आई टेक x एज जीरो, दिस इज log 5, दिस इज log 5, log 5 माइनस log 5, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। ये मेरा f of x, ये मेरा g of x, इसको इंडिविजुअली लिया न्यूमरेटर को, इसमें लिमिट डाली तो ये बन रहा है जीरो, डिनोमिनेटर भी बन रहा है जीरो, मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई। अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई तो मैं लॉपिटल रूल लगा सकती हूँ। लगाने के लिए करना क्या है मुझे? इसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट अलग से। इसमें एफ यू अपॉन वी वाला पढ़ लिया ना आपने डेरिवेटिव्स? हाँ जी, डेरिवेटिव्स पढ़ लिया कि नहीं स्कूल में? कब से तुमने स्टार्ट ही की है? बेसिक फॉर्मूले कर लिए? बस और कोई फॉर्मूले? साइन कॉस टैन किसी का कोई डेरिवेटिव? फॉर्मूले तो आते हैं, मुझे सिर्फ फॉर्मूलों की जरूरत है। आई ओनली नीड कि तुम्हें बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन करने है। तुम्हें लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन मालूम है? एक्स 1 by x, differential of log x is 1 by x. तो log of 5 plus x का differential क्या होगा? 1 upon 5 plus x. Derivative of, I write, derivative of log of 5 plus x will be 1 upon 5 plus x into derivative of 5 plus x. What is the derivative of 5 plus x? 1, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, सो अल्टीमेटली ये बन गया 1 अपॉन 5 प्लस x इसका डेरिवेटिव। और log ऑफ 5 माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 अपॉन 5 माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 1, सो माइनस 1 अपॉन 5 माइनस एक्स। तो मुझे क्या करना था? इस न्यूमरेटर को इंडिविजुअल फंक्शन लेके डेरिवेटिव, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन 5 प्लस एक्स, एक ये नेगेटिव एक ये नेगेटिव, प्लस 5 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में एक्स है, इसका डेरिवेटिव हो गया 1, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो। अब एक्स को जीरो डाल दूं तो ये 1 बाय 5, ये 1 बाय 5, 2 बाय 5 आंसर हो गए। लॉपिटल रूल से बहुत सारे एक्सप्रेशन जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनका लिमिट निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अभी हम देखते हैं, एक और लिखो जरा क्वेश्चन, बट उसके लिए पहले डेरिवेटिव्स आने चाहिए तभी हो सकता है। अगर अभी नहीं आते हैं तो बता दो, फिर हम लॉपिटल रूल बाद में कर सकते हैं। हाँ बोलो। डेरिवेटिव करवा दिए हैं लेकिन एज सच लॉपिटल रूल इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस। इफ यू ओपन अप योर एनसीईआरटी बुक्स यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर दिस। ऐसा है, नंबर नहीं देने वाला टीचर, लगा लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे, मैं तो बस इतनी बात कर रही हूँ। सो इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू। ओके क्वेश्चन लिखो जरा एक। साइन ऑफ
साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो. अब अगर मैं एक्स को जीरो डालती हूं, डिनोमिनेटर जीरो है, न्यूमरेटर देखते हैं कॉस जीरो. हाँ कॉस जीरो वन, वन हो गया तो ये पाई हो गया, साइन पाई जीरो. सो जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गए, जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गए. तो आई कैन अप्लाई द लॉपिटल रूल. बट नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू डिफरेंशिएट साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स. एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. साइन का डेरिवेटिव, अच्छा कॉस ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स. अब क्या करना है, पाई कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, पाई तो ऐसे ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बोलो. साइन स्क्वायर एक्स, वेरी गुड. कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स. तुमने डेरिवेटिव किए नहीं अभी अच्छे से. फिर अभी लॉपिटल रूल रहने दो. कॉस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा उसमें पहले लगता है आपके पास पावर रूल एक्स पावर एन. एक्स पावर एन विल बी टू कॉस एक्स की पावर वन. हाँ बोलो. बिल्कुल याद नहीं है, कोई बात नहीं. फिर ऐसा करेंगे हम, मुझे याद करवा देना, पर हम पहले डेरिवेटिव्स करके उसके बाद लॉपिटल रूल करेंगे, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं है, फिर वो समझ नहीं आएगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं है करने का. नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं. बट मुझे याद करवा देना, करवाना इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आगे गुजारा चलना मुश्किल हो जाएगा. लिमिट में एक और चीज हमारे पास रहती है, दैट इज दी राइट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फॉर्म वन पावर इन्फिनिटी. लिमिट्स ऑफ द फॉर्म वन पावर इन्फिनिटी. ऑन अनदर फॉर्म हम कहते हैं मेरे पास हो एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए. एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग ए. माने अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा उसमें क्या था, या तो आपने देखा वेरिएबल पावर कांस्टेंट या कांस्टेंट पावर वेरिएबल, इसी फॉर्म में अभी तक चल रहे थे. अब क्या है, वेरिएबल पावर वेरिएबल. और मैंने कहा फॉर्म क्या चाहिए, वन रेज टू द पावर इंफिनिटी. इसका मतलब क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, लिमिट x approaches a f of x this should be equal to 1 and limit x approaches a g of x should be infinity. Then the rule that we are going to discuss will be applicable. ठीक है जी, करना क्या है हमने, अगर मेरे पास ये दो conditions justify हो रही हैं, f of x raised to the power g of x, तो ये लिमिट इवैल्यूएट कैसे करते हैं हम. दिस विल बी जी ऑफ एक्स इंटू वन प्लस ठीक है जी. क्या करना है हमें, लिमिट जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस वन. मुझे ये फॉर्म है एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर जी ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए है, ये लिमिट निकालनी है. आर यू गेटिंग इट और नॉट. सपोज मेरे पास है वन प्लस टू बाय एक्स होल पावर एक्स लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. मुझे ये लिमिट निकालनी है वन प्लस टू बाय एक्स पावर एक्स लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी.
तो अभी तक आपने जितने भी रूल पढ़े हैं वो कोई भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमने इन्फिनिटिव अगर पढ़ा दिया तो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एंड ऑल दैट, अभी जो भी रूल है कोई वहां एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन क्या ये इस फॉर्म को विद दीज कंडीशंस जस्टिफाई कर रहा है? अगर मैं x अप्रोचिंग ही f of x, मतलब जो मेरा बेस है उसमें x को इन्फिनिटी डाल दूं, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, सो क्या बच गया? सिर्फ 1 बच गया। और g of x, x अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब अगर मुझे ये लिमिट इवेलुएट करनी है तो हाउ टू इवेलुएट इट? आई डू ई पावर जी ऑफ एक्स मीन्स एक्स एफ ऑफ एक्स दैट इज 2 बाय एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये एक्स और एक्स कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा? ई स्क्वायर। सो आंसर फॉर दिस लिमिट इज ई स्क्वायर। ये जितनी, ये जो सब कुछ था, ये जो लिमिट थी, क्या थी लिमिट? एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स विद इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस 1, दिस वॉज ऑल थिंग रेज टू द पावर, ई की पावर में था ये सब कुछ, ठीक है। तो जब मैंने ये क्वांटिटी कैलकुलेट की जी ऑफ एक्स वॉज एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से मुझे पूरी कैलकुलेशन करके क्या मिल रहा है? सिर्फ पावर में 2। किसकी पावर है? ई की पावर। सो आंसर इज ई स्क्वायर। ई इज द एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, तो ये नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, कर लिया नोट की बातें करी जाओगे? चलो फिर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 होल पावर x प्लस 4 लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 होल पावर x प्लस 4 एंड x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स की फॉर्म है। अब आपको चेक करना है कि ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसमें अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करे इंडिविजुअली, एफ ऑफ एक्स को चेक करना है, अगर वो 1 बनेगा और ये इन्फिनिटी बनेगा तो मेरा रूल एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 विल इट बी 1? क्यों नहीं भाई मेरे? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म है, पॉलिनोमियल्स हैं दोनों, तो ये एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी पे रूल भूल गए पिछला, अगला याद करते करते पिछला भूल गए। ऊपर नीचे डिवीजन किससे करनी है? अब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से, एक्स से डिवीजन की तो क्या बना? 1 प्लस 6 बाय एक्स, 1 प्लस 1 बाय एक्स, एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इज इट 1? ये भी गायब हो गया। अच्छा, इसने क्लास नहीं लगाई थी, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और भी तरीका था आपके पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है, तो क्या बताया था आंसर? ए नॉट बाय बी नॉट, दोनों के कोएफिशिएंट यूनिटी हैं, तो ये लिमिट 1 बन रही है। और अगर x प्लस 4 में x अप्रोचिंग इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या बनेगा? इन्फिनिटी ही बनेगा। सो 1 पावर इन्फिनिटी की जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल हो रही है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। x प्लस 4 x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1
लिमिट एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी एंड होल दिस इज द पावर ऑफ ई. अजीब सा आंसर आ रहा, देख लेते हैं कितना अजीब आ रहा है. x प्लस फोर ये हो जाएगा 5 अपॉन x प्लस वन. लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी एंड दिस इज टू द पावर e टू द पावर दिस होल थिंग. सो आई राइट e टू द पावर 5 लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x प्लस फोर अपॉन x प्लस वन. ये लिमिट क्या होगी अब 1. सो आंसर क्या हो जाएगा? लिखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन. हां जी क्या हो गया? ऐसी से शक्लें दिखा रहे हैं कि पढ़ाने को मन ही ना करें. e raised to the power 1/2. ठीक है, x को 0 हो गए लोगे, tan 0 0 ये 1 हो गया, ये infinity हो गया. so 1/2x f of x minus 1 किया तो tan square root x e limit x is approaching 0 1/2 outside, इसको लिख दिया tan root x upon root x square limit x is approaching 0 and this is e की पावर में ये 1 हो जाएगा. सो आंसर इज e पावर 1/2. नेक्स्ट लिखो जी. लॉग ऑफ 3x टू द बेस 3, लॉग ऑफ 3x टू द बेस 3 पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस x लिमिट x इज अप्रोचिंग 1. हाँ लिखा है क्वेश्चन में नहीं उधर.
वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, लॉग आता है कुछ थोड़ा बहुत। चलो करो 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 करो। लॉग वन इज जीरो, बड़ी देर लगा रहे हो करने में। ना ई पावर जीरो क्या किया है? दुखी आत्माओं सीधे होके बैठो। थ्री लॉग एक्स, एक मिनट, ये थ्री लॉग एक्स कहां से आया? ये है लॉग थ्री टू द बेस एक्स, एक्स क्यूब नहीं है। लिखा तो वही था भाई मैंने। एक घंटा लगा दिया। ये देखो जरा, जो log के term within bracket है, can I write this as log 3 to the base 3 plus log x to the base 3 and whole power log 3 to the base x? One raised to power? हाँ, one raised to power infinity form तो बन के आगे solve भी करना है ना मुझे। थ्री तो है ही नहीं कहीं भी, यहां है log of x to the base 3, यहां पर है log of 3 to the base x। करना क्या है तुम्हें, ये है आपके पास f of x raised to power g of x, लिमिट x इज अप्रोचिंग 1, आ मेरा आंसर होना चाहिए log 3 to the base x, what is this log 3 to the base 3? 1। जब f of x माइनस वन करोगे तो log x टू द बेस 3, लिमिट x इज अप्रोचिंग 1। क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है? अगर आपके पास हो log a टू द बेस b, दिस इज सेम एज 1 अपॉन log b टू द बेस a। ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो इसे नोट करो, log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। जब बेस और जिस का log निकाल रहे हो वो इंटरचेंज हो जाते हैं तो एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है। हाँ, तो ये हो जाएगा e पावर 1, सो आंसर इज e। नेक्स्ट लिखो, लिमिट x अप्रोचिंग 0, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय एक्स। जल्दी जल्दी कर दो जरा, दो चार क्वेश्चन कराने हैं फिर छुट्टी कर दूंगी।
जल्दी कर दो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छुट्टी हो जानी है। फटाफट फुर्ती मार के करो क्वेश्चंस। मैं करती हूँ, हेजो शेजो मैं करती हूँ। हाँ जी, 1 plus 10x upon 1 minus 10x। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? ई स्क्वायर। आ गया सबका? वन रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है 1/x टैन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 1 लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0। 1/x, this is 1 plus 10x upon 1 minus 10x। तो LCM ले लेंगे, I'll get this। Numerator मेरे पास बन जाएगा 2 tan x, so 2 tan x upon x 1 minus 10x, limit x is approaching 0, power e। tan x by x 1 हो जाएगा, यहां पर 0 डालोगे, tan 0 0 है, so e square will be your answer। Next is a power x plus b power x plus c power x upon 3 whole power 1/x, limit x is approaching 0।
जीरो पावर में आंसर बता रहे हो क्या करके आ रहे हो ये जीरो माइनस वन क्या आंसर बता रहे हो मुझे पावर गलत बता रहे हो आपके पास ये बन जाएगा 1 बाय एक्स ए पावर एक्स प्लस बी पावर एक्स प्लस सी पावर एक्स माइनस 3 बाय 3 लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो और पूरे को कर देना ही की पावर में दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू अपॉन 3x अपॉन 3x अपॉन 3x कैन आई राइट ये x को भी अंदर ले जाते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो एंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो हाँ जी ये बताइए क्या होगा वन बाय थ्री लॉग ए ये हो जाएगा वन बाय थ्री लॉग बी और ये होगा वन बाय थ्री लॉग सी इसको करना है e की पावर में जरा ध्यान से देखना कैन आई राइट e पावर 1 बाय 3 लॉग एबीसी कैन आई राइट e पावर लॉग एबीसी पावर 1 बाय 3 कैन आई राइट दिस एज एबीसी पावर 1 बाय 3 हमारे पास प्रॉपर्टी रहती है अगर मेरे पास हो a रेज टू द पावर लॉग टू द बेस a n आंसर इज n जो यहां पर बेस है अगर वो यहां पर बेस हो और लॉग है तो जिस क्वांटिटी का लॉग ले रहे हो दैट बिकम्स योर आंसर अब यहां पर मेरे पास था e l n ए बी सी पावर 1 बाय 3 व्हेन आई से एल एन मीन्स बेस इज ई तो ये बेस और ये बेस दोनों ई हैं सो आंसर इज ए बी सी रेज टू द पावर 1 बाय 3 हाँ जी समझ में आ गया ये चलिए जी अगला क्वेश्चन लिखिए फटाफट कर दो जरा दो क्वेश्चन कराने में फिर छुट्टी कर दूंगी 2 माइनस ए बाय एक्स होल पावर टैन पाई एक्स टैन ऑफ पाई एक्स बाय 2 ए लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग इंफिनिटी नहीं एक्स इज अप्रोचिंग ए आई एम सॉरी
दोबारा बोलो, x माइनस ए x को तो a डालोगे फिर x माइनस ए तो जीरो बना दिया तुमने फिर आंसर इज e पावर माइनस टू बाय पाई e रेज टू द पावर माइनस टू बाय पाई ये है मेरा आंसर. आपको जो अब निकालना है वो लिमिट है tan पाई x बाय टू ए इंटू वन माइनस ए बाय एक्स लिमिट x अप्रोचिंग है जो भी कुछ वैल्यू आएगी उसको e की पावर में ले जाएंगे दैट विल बी माय आंसर राइट. सो इसको मैं लिख दूं x माइनस ए बाय एक्स tan ऑफ पाई x बाय टू ए लिमिट x अप्रोचिंग a. अब ये लिमिट मुझे इवेलुएट करनी है दिस इज माय क्वेश्चन. अब जब x जीरो की बजाय किसी भी और को अप्रोच कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा मुझे ए प्लस एच ये हो जाएगा एच अपॉन ए प्लस एच टैन ऑफ पाई बाय टू ए इंटू ए प्लस एच लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो दिस स्टेप ओके. एक्स को डाला ए प्लस एच. अब यहां पर कैन आई राइट एच अपॉन ए प्लस एच टैन ऑफ पाई बाय टू प्लस पाई एच बाय टू ए लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो. वॉट इज टेन नाइनटी प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए कॉट नेगेटिव हो गया माइनस एच अपॉन ए प्लस एच कॉट ऑफ पाई एच अपॉन टू ए लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो माइनस एच अपॉन ए प्लस एच टैन पाई एच अपॉन टू ए लिमिट एच इज अप्रोचिंग जीरो. क्या आप कुछ कर सकते हो पाई बाय टू ए से मल्टीप्लाई और पाई बाय टू ए से डिवाइड और यहां पर एच को जीरो डालोगे तो ए ए से ए कट जाएगा तो माइनस टू बाय पाई बच जाएगा. सो आंसर ये सब कुछ किसके पावर में था e की पावर में. सो आंसर इज my e पावर माइनस टू बाय पाई. अब अगर हमें लॉपिटल रूल यहां पर लगाना आता होता तो हमारे लिए काम बहुत आसान था. करेंगे जब लॉपिटल कर लेंगे तो फिर यहां पर एक बार लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से काम इजी हो जाता है. इतना सब कुछ काम नहीं करना पड़ता फिर हम. एक लास्ट क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन x स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव होल पावर x लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी. क्या पता क्या करी जा रहे हैं जी.
वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव इज द डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री इज द न्यूमरेटर. क्या पता क्या करी जाते हैं. पहले तो वन पावर इनफिनिटी फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई. एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. दिस इज व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट एंड देन पुट इट इन द ई की पावर में. ठीक है, मैंने स्टेप एक लिखा नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेशन कर दिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये हो गया 2x plus 8 upon x square plus 2x minus 5 multiplied with x, limit x is approaching infinity. क्या हो गया, ये वाला x तो बाहर आएगा. हाँ कर दो फिर, तो आंसर क्या बना फिर, क्या बच्चे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पावर सेम है पॉलिनोमियल की, तो आंसर क्या है, a नॉट बाय b नॉट टू इज द आंसर. सो e स्क्वायर इज द आंसर. क्या चीज दोबारा बताऊं, ये टू कैसे आया. अगर आपके पास f ऑफ x अपॉन g ऑफ x की फॉर्म है और f ऑफ x g ऑफ x दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो हमारे पास प्रोसीजर क्या रहता है, जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिविजन कर देते हैं. ठीक है, जब यहां और यहां हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर. अगर मैं न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से डिविजन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, टू प्लस एट बाय एक्स, वन प्लस टू बाय एक्स माइनस फाइव बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. ये सब जीरो हो गया सो टू बच गया. ये तीन कंडीशंस मैंने बताई थी, देखते हैं जरा किस किस को याद है. अगर न्यूमरेटर की डिग्री m है, डिनोमिनेटर की डिग्री n है, जब m इक्वल टू n है तो आंसर क्या था, a नॉट बाय b नॉट. जो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं की रेशो आपका आंसर हो जाती है. जब m n से छोटा हो तो आंसर क्या था, इन्फिनिटी के जीरो. If m is less than n means, say मेरे पास होता 8x upon x square plus 2x minus 5, तो answer will be 0. अब highest degree है x square. जब x square से divide करोगे तो ये हुआ 8 by x, 1 plus 2 by x minus 5 by x square. So answer will be 0. जब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, देन यू विल गेट इन्फिनिटी एज द आंसर, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, अगेन डिपेंडिंग अपॉन ए नॉट बी नॉट क्या हो जाता है. एक चीज और बता दो छोटी सी, उसके बाद आप जा सकते हो. इफ आई हैव 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय एक्स, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0, व्हाट शुड माई आंसर बी. वन प्लस लैम्डा एक्स रेज टू द पावर वन बाय एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, व्हाट द आंसर इज. ई रेज टू द पावर लैम्डा. इफ आई हैव वन प्लस वन बाय एक्स रेज टू द पावर एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. E. अभी भी आपका वन पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है. ये x आगे आ गया, इसमें से माइनस किया तो 1 बाय x, x और x कैंसिल, पावर 1 अगेन, आंसर इज E. 1 प्लस लैम्डा बाय x होल पावर x, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी शुड बी E पावर लैम्डा. तो इनको आप एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद करेंगे.
1 plus x power 1 by x, x approaching 0 is e, 1 plus lambda x power 1 by x is e power lambda, 1 plus 1 by x power x, x infinity को approach करेगा तो e और यहाँ पर e power lambda, ठीक है जी, सोती सोती शक्लें दिखा रहे हैं मुझे, ठीक है जी, जा सकते हो, happy new year, enjoy भी करना और थोड़ा बहुत हो सके तो पढ़ पढ़ भी लेना, ठीक है, अब हो सके ही कहना पड़ेगा, पढ़ने वाला काम तुम्हारा है नहीं इसलिए हो सके ही कहना पड़ता है मुझे, Thank you.
फिर और भी बड़े बड़े इफेक्ट्स हैं, फायदा क्या है उसका?